वेलकम ऑल। आज हमारे साथ हैं एचडीएफसी लाइफ से मिस्टर चिन्मय बड़े और वो आज हमें बताएंगे एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू इन्वेस्ट यूलिप प्लान के बारे में। हाय चिन्मय, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। ओके, तो आज हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू इन्वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। सो चिन्मय जी, आप बता सकते हैं कि ये प्लान दूसरे यूलिप प्लान से कैसे अलग है? जी बिल्कुल, ये अपने तरह का एक प्लान है जहाँ पे आपके पास सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों ऑप्शन है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन भी है। बेस्ट पार्ट इज कि इस प्लान में कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब मोर्टालिटी चार्ज और फंड मैनेजमेंट चार्ज के अलावा और दूसरे चार्जेस नहीं है, तो कोई एलोकेशन चार्ज नहीं लगता है, ना कोई मंथली एडमिन फी लगती है। तो आपका जितना प्रीमियम है वो सारा इन्वेस्ट होता है और आपका हर महीने मोर्टालिटी, विच इज कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, और फंड मैनेजमेंट चार्ज जो कि आपके एनएवी में एडजस्ट होता है। मैं लोग अक्सर यूलिप्स और म्यूचुअल फंड्स में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? जरूर, देखिए दोनों इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से अपना अपना रोल अदा करते हैं। इंश्योरेंस में और खासकर क्लिक टू इन्वेस्ट में ये कैसे अलग है या फिर इसकी खासियत क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर है। तो अगर आप लिमिटेड पे या रेगुलर प्रीमियम दे रहे हैं और अगर आप 10 times कवर लेते हैं तो आपका मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री होता है, प्लस आप जो प्रीमियम दे रहे हैं वहाँ भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको एक डिसिप्लिन होता है क्योंकि हर साल या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली आपको प्रीमियम पे करना है, तो एक डिसिप्लिन होने की वजह से आपने जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके लिए आपको पैसा इकट्ठा करने में या एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट में ये मदद करता है। प्लस आप स्विचिंग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप एक फंड से दूसरे फंड में विथ चेंजिंग रिस्क एपेटाइट मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास हर साल 4 फी स्विचेज हैं विच आर गुड इनफ, एडिक्वेट इनफ। उसके अलावा अगर आप करना चाहें तो एक नॉमिनल फीस है, वो भी किए जा सकते हैं, प्लस फ्लेक्सिबिलिटीज तो है ही। राइट, इस प्लान में कितने फंड्स अवेलेबल हैं? इस प्लान में टोटल 8 फंड अवेलेबल हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड से लेकर डेट ओरिएंटेड तक हैं और बैलेंस फंड भी अवेलेबल हैं। आप अपनी एज, लाइफ स्टेज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट फंड का चुनाव कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ फंड भी ले सकते हैं। Okay. और बदलते रिस्क एपेटाइट के साथ आप उसमें स्विच करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, अगर किसी को अपने फंड्स चूज करने के लिए उसका परफॉर्मेंस देखना है तो कैसे कर सकते हैं वो? देखिए, अगर आप अभी प्रोस्पेक्ट हैं, आपने पॉलिसी नहीं ली है, तो आप HDFCLife.com पे जाइए और वहाँ पे आप किसी भी फंड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। Okay. कस्टमर बनने के बाद उसके अलावा एक और एडिशनल ऑप्शन आपके पास आता है, क्योंकि आप कस्टमर हैं तो आपके पास कस्टमर पोर्टल का एक्सेस होगा जहाँ आप अपनी पॉलिसी का परफॉर्मेंस किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं। Okay. इस प्लान को कितने साल के लिए आइडियली खरीदना चाहिए? देखिए, इस प्लान में आपके पास ऑप्शन है 5 साल से लेकर 20 साल तक का पॉलिसी टर्म लेने का, और प्रीमियम पेमेंट टर्म या आप सिंगल प्रीमियम चाहें तो वो भी ले सकते हैं, या 5 years, 7 years, 10 years, या फिर जितना आपने पॉलिसी टर्म लिया है उतने साल तक पे करना आप डिसाइड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आप एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, चारों तरह से पे कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है ये लिमिटेड और रेगुलर प्रीमियम के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड एंड योर माइलस्टोन्स कि आपको ये पैसा कब और किस ज़रूरत के लिए और कितना चाहिए, अकॉर्डिंगली आप अपना प्रीमियम, प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म, इन तीनों का आपको चुनाव करना चाहिए। Thank you, Chinmay, for sharing such valuable information with our viewers. Thanks again for coming. Thank you so much for the opportunity.